सो दिस इज टॉपिक नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. पहला टॉपिक हमने किया था व्हेन पार्टनरशिप लीड इज साइलेंट. सेकंड टॉपिक हमने कल कवर किया इंटरेस्ट ऑन. थर्ड टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. जब एक पार्टनर विड्रॉ करता है तो फर्म उस पे चार्ज करेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. मतलब फर्म के लिए वो इनकम होगी ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट व्हिच वी हैव स्टडीड इन क्लास प्लस 1. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म या कंपनी के लिए क्या होती है? इनकम. देखो व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम फॉर द फर्म. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम फॉर द फर्म. In partnership, there are two methods of calculating interest on drawings. Number one, simple method. Number two is product method. आज हम करेंगे पहले product method, that is method number two. Write down. Product method. Under product method, interest on drawings is to be calculated. When different dates are given in the question. For example, A and B are partners in a firm. A withdraws the following amounts you are required to calculate interest on drawings at the rate of 10% per annum. Next slide mein likhna. Date. Second column ka naam likho amount withdrawn. First column is date. Second column is amount withdrawn. पहले मैं डेट्स बोलूंगा सिर्फ. फर्स्ट अप्रैल उसके नीचे लिखो फर्स्ट जुलाई उसके नीचे लिखो फर्स्ट सितंबर उसके नीचे लिखो थर्टी फर्स्ट दिसंबर फिर लिखो फर्स्ट मार्च फिर लिखो 31st March. गुडप्रीत एंड मोक्ष लाइट चेंज.
मैंने जो डेट्स बोली है वो एक बार रिपीट करो हर डेट, क्या क्या डेट्स थी? पहली क्या है? 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 सितंबर, 1 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 फरवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 मार्च एंड 31 मार्च, 31 मार्च, ठीक है? ये आपको क्वेश्चन के अंदर डेट्स गिवन है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपको गिवन होंगे अमाउंट्स जो उसने विड्रॉ किए। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हर एक ड्रॉइंग का अमाउंट क्या है? रुपीज 1000। मतलब जो पार्टनर ए है उसने इन डेट्स पे अपने बिजनेस से 1000-1000 रुपया विड्रॉ कर लिया। इतना क्लियर? इतना आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब आप थर्ड कॉलम क्या बनाओगे? नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट। नाउ व्हाट इज दिस लेफ्ट? दिस लेफ्ट मींस हमारी बुक्स कब क्लोज होती है? 31 मार्च। तो हमने इस डेट से चलना है और कहां तक जाना है? 31 मार्च। अब अप्रैल से मार्च कितने मंथ्स हो गए? पूरे 12 मंथ्स। आगे चलो, जुलाई टू मार्च कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स। काउंट करते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फरवरी, बने 9 महीने। अगली डेट क्या है? 1 सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने बने? 7 मंथ्स। नेक्स्ट काउंट करो, 31 दिसंबर, जब कोई भी डेट 31 होगी वो मंथ काउंट नहीं होगा। दैट मींस जैन, फेब, मार्च, कितने बने? 18। नेक्स्ट करो, फेब एंड मार्च हाउ मच? नेक्स्ट 1 मार्च, 31 मार्च, लास्ट 31 मार्च, 31 मार्च, तो लास्ट वाला कंसीडर नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया? अब इस मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। क्या नाम है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो इन दोनों कॉलम्स को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको आप लिखोगे प्रोडक्ट। लेट्स मल्टीप्लाई, 12 इनटू 1000, नेक्स्ट 9000, नेक्स्ट 7000, नेक्स्ट 3000, नेक्स्ट 2000 एंड लास्ट 1000। ठीक है भाई, अब हम करेंगे इसका टोटल। लेट्स डू इट। 32000। हाउ मच? 32। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो पहले दो कॉलम्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे डेट्स के और अमाउंट्स के। तीसरा कॉलम किस चीज का बनाया तुमने? नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट, जितने मंथ्स रह गए। इजी। उसके बाद उन दोनों को क्या कर देना है आपस में? मल्टीप्लाई। उसका नाम क्या रख देना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या कर लेना है? टोटल। अब ध्यान से सुनिएगा आगे क्या करना है। हमने निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना बना? 32000 के ऊपर 10%। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में भूलते हैं, 1/12। Now what is this 1/12? हमारे पास बहुत सारी डेट्स की ड्राइंग्स गिवन थी। हमने इस मेथड में हमेशा 1 मंथ की ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना। तो इसलिए एंड में करना बहुत मैंडेटरी है। हम सिंपल सोचते हैं 32000 का 10% आंसर, नहीं। प्रोडक्ट मेथड हमेशा 1 मंथ की इंटरेस्ट निकालना सिखाएगा। तो इनटू 1/12 इज मैंडेटरी फॉर यू ऑल। ये भूलना नहीं है स्टेप। 32000 प्रोडक्ट आया, इनटू 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। हर एक क्वेश्चन में आपको 1 मंथ लगाना ही लगाना है, जब आप कौन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? प्रोडक्ट मेथड। इज इट क्लियर? जो भी आपका आंसर आएगा उसको बॉक्स में डालना है विद द साइन ऑफ रुपीज। क्लियर? जल्दी कंप्लीट करके आंसर बताओ। लिखो क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। X and Y are partners in a firm. Calculate interest on drawings from the following. Calculate interest on drawings from the following at the rate of 10% per annum. At the rate of 10% per annum. Calculate interest on drawings at the rate of 10% per annum.
तीन कॉलम्स बना लो, डेट्स, एक्स की ड्रॉइंग्स, वाई की ड्रॉइंग्स। डेट्स में लिखो पहले, फर्स्ट अप्रैल, थर्टी फर्स्ट जुलाई, थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट, 15 सितंबर, 30th नवंबर, 1st जनवरी एंड 1st मार्च। 1st जनवरी एंड 1st मार्च। अब पार्टनर एक्स की ड्रॉइंग्स देखना, नेम 2000, 3000, नेम नेम 4000 एंड 1000। देखना डेट सारी कवर होगी। यस सर। वाई की लिखो, 1000, नेम 1000, 3000, 2000, नेम 1000। अब जब आपको दो पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स गिवन है तो आपके क्वेश्चन में दो टेबल बनेंगे। पहले आप इंटरेस्ट किसका निकालोगे, पार्टनर एक्स का, और फिर किसका निकालोगे, पार्टनर वाई। अब मैंने ना एक्स में कुछ निल डाले हैं, तो जब आप एक्स सॉल्व करोगे तो ये डेट्स एक्स के लिए यूज नहीं होंगी। समझ आ रहा है? क्योंकि ये डेट्स किसकी गिवन है, पार्टनर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिस जिस अमाउंट के सामने डेट है सिर्फ वो एक्स के लिए यूज करो। जल्दी ट्राई करो। राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। रिया एंड पीआर पार्टनर्स इन अ फर्म। Riya and Pia are partners in a firm. Calculate interest on drawings at the rate of 10% per annum. Calculate interest on drawings at the rate of 10% per annum. Teen columns bana lo fatafat. Dates, R's drawings, P's drawings. सबसे पहले देखो डेट में, फर्स्ट जनवरी, 31st मार्च, 1st जुलाई, 15 अगस्त, 30th सितंबर, 30th नवंबर, 15th December and 31st December. Amounts लिखो, R के लिखेंगे सिर्फ पहले, 3000, 2000, 1000, 4000, 5000, 6000, nil, 8000. Stand up Moksh, ये music को दे रहा था। P की ड्रॉइंग्स देखो, nil, nil, 1000, 4000, 6000, nil, 8000, nil. इस क्वेश्चन में बुक्स कब क्लोज होगी? ध्यान से पहली डेट पढ़ना, फर्स्ट डेट पढ़ो पहले, तो दैट मींस बुक्स कब क्लोज होंगी, 31st दिसंबर। ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, डेट्स देख के समझना है। करो ट्राई जल्दी से।